सो अभिषेक का हमने चश्मा हटाने का ऑपरेशन करा था कल, राइट अभिषेक? एंड जो टेक्नोलॉजी हमने इसमें चूज करी थी दैट वाज द सिल्क प्रोसीजर. सो वी विल जस्ट चेक यू वंस एंड एवरीथिंग इज कमिंग आउट टू बी परफेक्ट टुडे. और बच्चे अभी हफ्ता 10 दिन में थोड़ा सा विजन हमारा अभी और साफ हो जाएगा, ठीक है जी? और एक बार हम जरा चार्ट में भी चेक करते हैं. आ जाओ एक बार ऊपर से बच्चे लास्ट लाइन तक. 4537024523 5437025 7354207. वंडरफुल. सो पहले दिन ही हमारी विजन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो गई है 6x6. लेकिन सिल्क में सुपर विजन मिलता है 6x5. तो अभी हफ्ता 10 दिन में जब स्वेलिंग वगैरह खत्म हो जाएगा तो इसके जो नीचे वाला लाइन होता है सुपर विजन, जो नॉर्मल लोग नहीं देख पाते बट यू विल बी एबल टू सी. ओके, अच्छा मैं एक चीज आपको और दिखाना चाह रहा था. कई सारे मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों के कि डॉक्टर साहब ये सिल्क ऑपरेशन हम गवर्नमेंट मेडिकल्स के लिए करा सकते हैं, जैसे डिफेंस के मेडिकल्स हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स पुलिस के मेडिकल्स हैं, एसआई के मेडिकल्स हैं, एसएससी है, जेडी सीपीओ सीजीएल पीएसयू मेडिकल सीआईएसएफ सीआरपीएफ रेलवे वगैरह, तो क्या इन सब मेडिकल्स के लिए सिल्क ऑपरेशन हो सकता है? देखिए सिल्क ऑपरेशन आपको उन मेडिकल्स में क्लियर कराएगा जहाँ पे स्लिट लैम्प की टेस्टिंग नहीं होती. तो स्लिट लैम्प जो है ये एक मशीन होती है जिसमें हम आँख को बहुत बड़ा करके 20x, 30x, 50x मैग्नीफाई करके देख सकते हैं. तो सिल्क ऑपरेशन में एक छोटा सा निशान आता है जो इस मशीन में दिख जाता है. तो अगर आपका स्लिट लैम्प से चेकअप है, जैसे मेनली रेलवे वगैरह में स्लिट लैम्प से चेकअप होता है, तो वहाँ पे क्लियर नहीं होगा. लेकिन अगर आपका सिंपल चेकअप है जैसे पुलिस एसएससी सीपीओ सीजीएल अपना आर्मी नेवी एयरफोर्स इन डिफेंस मेडिकल्स हो गए, वहाँ पे सिंपल टेस्टिंग होती है, नज़र को चेक करा जाता है, टॉर्च से चेक करा जाता है, कलर विजन को चेक करा जाता है, तो उन सब सिचुएशन में सिल्क से आप क्लियर कर सकते हैं. थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ कि सिल्क में निशान आता कैसे है. पता नहीं कितना आपको इसमें दिख रहा है, फिर मैं आपको फोटो खींच के भी दिखाऊंगा. तो ये जो आप निशान देख रहे हैं हल्का सा वाइट कलर का, ये छोटा सा स्कार आता है क्योंकि यहीं से हम वो जो आंख के अंदर लेंटिक्यूल बनाते हैं सिल्क ऑपरेशन में उसको निकालते हैं. तो ये हल्का सा स्कार है, इसमें इतना अच्छा आ रहा है वैसे तो इसमें लाइट ऑन दे एक ही बात है. हाँ ये वाला स्कार है जो ये दिख जाता है स्लिट लैम्प में और फिर वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं. तो अगेन जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जो भी गवर्नमेंट मेडिकल्स में आपका इस मशीन जिसको स्लिट लैम्प कहते हैं इससे चेकअप हो रहा है तो सिल्क अगर आप कराएंगे तो आप फेल हो जाएंगे. और अगर आपका नॉर्मल चेकअप हो रहा है टॉर्च लाइट वगैरह से तो वहाँ पे सिल्क वगैरह आपको ऑपरेशन जो मेडिकल में वो चल जाएगा.